आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक बहुत ही फेमस फाउंडेशन का जो कि है एस ए लॉडर डबल वेयर फाउंडेशन देखिए बाजी इसका नाम बहुत ही आराम और धीरे से लीजिएगा वरना बहुत बड़ी गाली भी लग सकता है जस्ट बीइंग ऑनेस्ट फॉर मी साइज नॉट मैटर इट्स द क्वालिटी दैट मैटर्स गंदी बातें मत सोच फाउंडेशन की बात कर रही करी मिनी साइज मंगवाया था मैंने मिनी कुछ ज्यादा ही छोटा निकला नेक्स्ट टाइम मैं फुल साइज ही ऑर्डर करूंगी लेकिन इसका एक फायदा यह है कि इसका आराम से चोरी कर सकते हैं स्टोर जाके मिनी साइज था वन का आपके अब्बा की जो पैन दरवाजा पीछे टंगी रहती है वहां जाइए दो हजार रुपए चुराइए खरीदिये हर फाउंडेशन की तरह मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से डायरेक्टली लगाऊंगी मैंने मॉइस्चराइजिंग प्राइमिंग एंड कलर करेक्शन ऑलरेडी कर लिया था ये एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है इससे ज्यादा फुल कवरेज के कवरेजेशन भी आते हैं ये आपको मैट नेचुरल स्किन लाइक फिनिश देगा बहुत ही हैवी या केकी बिल्कुल भी नहीं लगता है इसको लगाते ही मेरी स्किन में एक टाइटनिंग सी फीलिंग आ गई थी ऐसा लग रहा था स्किन में जाके चिपक गया है एंड अब हटेगा नहीं अपनी जगह से बाकी का मेकअप भी इसके ऊपर बेहतरीन तरह से ब्लेंड हुआ सुबह के 12 बजे मैंने लगाया था मेकअप एंड क्या कातिल लाना लग रही थी जहर लग रही थी आई द फिनिश इट मी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए ज्यादा है सुपर क्लोजअप में भी इट स्टनिंग एंड फ्लॉलेस करीबन घंटे बाद आउटडोर नेचुरल लाइट में भी बहुत प्यार लग रहा था कहीं पर भी क्रीसेज एंड क्रैक्स नहीं आए थे बिल्कुल फ्रेश लग रहा था यह है रात के नौ बजे दिन भर में एक भी टचअप मैंने नहीं किया था हल्का सा टी जोन पे ऑयली हो गया था लेकिन कहीं पर भी क्रीसेज या क्रैक्स नहीं थे हंड्रेड परसेंट फॉर दिस फाउंडेशन